नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एंटॉर्क 125 रेस एडिशन एक्सपी के बारे में। करेंगे इसका एक डिटेल्ड राइड रिव्यू, फर्स्ट इंप्रेशन आपके साथ शेयर करूंगा, ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे, कंफर्ट कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो की देख लो, कुछ ऐसी की आती है। डिटेल्ड में हमने इसका एक वॉक अराउंड कर रखा है, तो डेफिनेटली आप उसे जाके चेक कर सकते हो। पहले इसका एग्जॉस्ट नोट सुनो, फिर हम चलते हैं इसके राइड पे। ओके, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जॉस्ट नोट मैं इसका कहना चाहूंगा। ओके, तो काफी अच्छा खासा पुलिस का आता है, मींस मैं ये कह सकता हूं। ओके, बिल्कुल वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। इंजन के जो फर्स्ट इंप्रेशंस हैं वो मेरे काफ़ी ज़्यादा सही रहे। यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर करती है 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, प्रोड्यूसिंग 9.25 बीएचपी पावर एंड 10.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का डिले आपको कहीं नहीं मिलेगा, पावर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप 20 की स्पीड पे हों, 30 की स्पीड पे हों, 40 की स्पीड पे हों, 50 की स्पीड पे हों, जैसे ही आप रब करेंगे ये बाइक आपको पीछे धकेलेगी, सॉरी ये स्कूटर आपको पीछे ज़रूर धकेलने वाला है। मैं एक बार कहना चाहूँगा, एक बार आप इसकी टेस्ट राइड लेके ज़रूर देखिएगा, इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। एक बार फिर से ओके, एंड एग्जॉस्ट नोट इज ऑल्सो गुड। मतलब किसी भी स्कूटर को चलाने के बाद मुझे फ़िलहाल ये वाला फील नहीं आता है जो फील इसमें आ रहा है। चलते हैं थोड़ा सा हाईवे पर। टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन, सो सस्पेंशन क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। सस्पेंशन मैं इसका स्टिफर साइड पर कहना चाहूँगा, स्टिफर साइड पर है, बट इसका मतलब ये नहीं है आपको कहीं से कहीं तक कुछ भी अनकम्फर्टेबल फील होगा। अगर हम रोड से नीचे भी चले जाएँ तो ये उस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेता है। सो उस रिलेटेड भी आपको कोई इशू होगा नहीं। द नेक्स्ट थिंग इज़ सिटिंग कंफर्ट, तो सिटिंग कंफर्ट के ऊपर भी कोई इशू नहीं है। जो सीट की क्वालिटी है वो यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छी खासी दे रखी है, तो उस रिलेटेड आपको कभी कोई इशू आने वाला वैसे भी नहीं है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जिस टाइप की ऑडियंस को ये स्कूटर टारगेट करता है तो उसे उतना अंतर नहीं पड़ता है सीट क्वालिटी से, सस्पेंशन क्वालिटी से। नथिंग विच मैटर्स पुल, तो ये जो पुल है ना ये बहुत ज़्यादा प्यारा है भाई, ये पुल लिटरली प्यारा है। मैं इसे काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस किया हूँ, तो उसके बेसिस पे मैं कह रहा, मेरे फ्रेंड के पास एंटॉर्क है, तो आप ये समझ सकते हो वो बाइक से जब ड्रैग रेस करता है तो कहीं ना कहीं ये जीत जाती है मेरे भाई। बाकी अगर हम बात करें रोड प्रेजेंस की, तो एंटॉर्क का रोड प्रेजेंस काफ़ी डिसेंट है। एंड मैं ये कहना चाहूँगा, एक रेवोल्यूशनरी स्कूटर ये रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ऐसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर्स मार्केट में थोड़े कम होते थे। बाकी बात करें अगर हम इधर साइड की, तो ये पोर्शन आप खुद देख सकते हो, जब आप ऐसे बाइक चलाओगे, मतलब स्कूटर को चलाओगे ना, तो आपको खुद अंदर से फील अच्छा आने वाला है। इधर कार्बन फाइबर टचअप टाइप दिया गया है, जो स्विचेज हैं वो भी ईजिली एक्सेसिबल हैं, मतलब कोई इशू आपको नहीं आने वाला है। एंड MID भी आप इजीली से समझ सकते हो। अभी हम लोग चल रहे हैं स्ट्रीट मोड पे, अगर हम रेस मोड पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लैप टाइम दिखाएगा, कितने किलोमीटर्स आपने इस लैप में कंप्लीट किए हैं वो दिखाता है, टाइम वगैरह आपको यहाँ पर शो कर देता है। सो ऐसा तो कुछ यहाँ पर मिल जाता है। फ्यूल गेज इधर आप देख सकते हैं, लो फ्यूल इंडिकेटर, मतलब उसकी वार्निंग अभी यहाँ पर फिलहाल आ रही है, लो फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर कंपनी ने ऑफर कर रखा है। टर्निंग रेडियस की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। तो अभी अपन चलते हैं वापस, मोड़ेंगे तो टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी डिसेंट है, कोई इशू आपको आने वाला नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हैं तब भी आप इसे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, इजी टू हैंडल है। हैंडलिंग के बारे में बात करें तो हैंडल रिलेटेड आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग की गई है वो कुछ इस टाइप से की गई है, जैसे ट्रैक पे उतारने के लिए ये स्कूटर रेडी है, ये चीज़ आप मतलब समझ सकते हो यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड भी आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। हॉर्न की क्वालिटी एक बार आप सुनो, ट्रैफिक पे होंगे तो ये हॉर्न मतलब बर है, मतलब डिसेंट जो नॉइस है या फिर साउंड है वो ये क्रिएट कर देता है, तो सामने वाले तक आवाज़ आराम से पहुंच जाएगी। अगर हम बात करें इधर की, तो जो स्पेसिंग यहाँ पर कंपनी ने दे रखी है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है।
अभी मेरी हाइट है अराउंड 5.8 इंचेस, तो यहाँ पर मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से। एंड जो मेरे पैर हैं वो भी काफ़ी अच्छे से टक इन है। अभी अगर कुछ लगेज यहाँ पे मैं रखना चाहूँ छोटा मोटा, तो एक बैग वगैरह डेफिनेटली रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा की उम्मीद फ़िलहाल यहाँ पर ना करिएगा, क्योंकि ये जो बाइक है ना, सॉरी स्कूटर है, वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसके कर्व वेट को रखा गया है 118 kg, एंड जो इसके डायमेंशन है ओवरऑल वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब काफ़ी कॉम्पैक्ट सा मैं इसे कह सकता हूँ। ठीक है, फाइनली बात करते हैं, जब 1,18,000 रुपये आप डालोगे तो ये स्कूटर आपको माइलेज कैसा क्या ला के देगा। टॉकिंग अबाउट माइलेज, देन जैसे अभी हम राइड कर रहे हैं, ऐसे तो फिलहाल आपको राइड नहीं करना है, कभी उठा रहा हूँ कभी ब्रेक लगा रहा हूँ, सो वो एक चीज़ बन जाती है। अगर हम इन चीज़ों को साइड में हटा देते हैं तो मेरे फ्रेंड इससे निकाल रहा है अराउंड 50 km/h, एंड अगर आप रफली भी चलाओगे तो 40-45 आपको मिल जाएगा। एक अच्छी खासी स्पीड पे चलते हैं, फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं रियर वाली। ओके, डिसेंट है, यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, तो जो ब्रेकिंग रिलेटेड इशू है वो नहीं आएगा। अभी हम फ्रंट ब्रेक को ट्राई करें थोड़ा सा, एक अच्छी खासी स्पीड पे पहुँच गए हैं। सो फ्रंट ब्रेक इज ऑल्सो गुड, अब बाइक के कंपैरिजन में तो नहीं हो सकता है, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्कूटर्स को देखते हुए फ्रंट ब्रेक काफ़ी सही है। बाकी मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है उसकी वजह से जो बाइक के फिसलने के चांस हैं, स्किड होने के चांस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो ब्रेकिंग रिलेटेड भी यहाँ पर कोई इशू नहीं है। 0-60 की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फिगर्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसका देख रखा है 0-60 एंड 0-100 ये स्कूटर काफ़ी जल्दी कवर करता है। अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ कारणवश हम वो चीज़ करके नहीं दिखा सकते हैं, बाकी अगर कभी मौका लगा तो हम इसे फिर से ज़रूर से ट्राई करेंगे। अभी फाइनली हम इस बारे में बात कर लेते हैं, ये स्कूटर कंपटीशन से बेटर कैसे बन जाता है। ये स्कूटर कंपटीशन से बेटर ऐसे बन जाता है क्योंकि जो आपको रॉ पावर चाहिए या फिर आपको चाहिए, वो आपके पेरेंट्स एक अच्छी खासी स्पोर्ट बाइक के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक स्कूटर ले लो या फिर कोई छोटी बाइक ले लो। तो छोटी बाइक 100cc बाइक लेने से अच्छा है आप ये 125 एंटॉर्क ले लो, तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे पावर फिगर्स मिल जाएंगे। कंपटीशन में कौन कौन सी आती हैं, तो डायरेक्टली कॉम्पिटिटर इसका एक सुजुकी की तरफ से एवेनिस है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे इसी से इंस्पायर लगता है। एक्टिवा को मैं इसका कॉम्पिटिटर नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक्टिवा एक प्रॉपरली कॉम्पिटिटर जुपिटर का है, तो वो एक अलग चीज़ बन जाती है। एंड एक्टिवा की जो ऑडियंस है वो अलग है, जुपिटर की ऑडियंस अलग है, एंटॉर्क की जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं बर्गमैन के साथ इसे रिलेट कर सकती है, बट फिर बात आ जाती है प्राइसिंग की। बर्गमैन इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड ऑल्सो बर्गमैन का जो लुक है वो अभी पब्लिक अडॉप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप का स्कूटर आता है। बाकी यामाहा के कुछ स्कूटर्स हैं जो कि इससे कॉम्पीट कर सकते हैं, बट यामाहा उन स्कूटर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा नॉन एक्टिव है। नॉन एक्टिव कैसे, ना वो उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, ना उनमें अच्छे खासे अपडेट्स दे रहा है, तो वो एक चीज़ बन जाती है। एंड ऑल्सो सर्विस से भी लोग यामाहा की उतना सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो TVS की सर्विस नेटवर्क भी काफ़ी डिसेंट है। बाकी प्रॉपरली अगर हम इस स्कूटर के बारे में बात करें, तो शोरूम के अंदर शोरूम के बाहर आप कहीं भी इसकी सर्विस करवा सकते हैं। इजी टू एसेसिबल है, मतलब इसके पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। परफॉर्मेंस इसकी आपको काफ़ी डिसेंट वैसे भी मिली जाती है। सो एक बार आप इसका 360 व्यू देख लो, देखने में कुछ ऐसा लगता है स्कूटर जब रोड पर आपके पास खड़ा होगा। सो ओवरऑल इसके जो लुक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सही आ जाते हैं, एंड कुछ तो ऐसा लगता है फ्रंट से। डिटेल में हमने इसका वॉक अराउंड कर रखा है, तो वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं एक्सप्लेन की हैं, तो उन्हें आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं जाकर। बाकी अंडर सीट स्टोरेज अगर आपको इसका एक्सेस करना है तो की आपको निकालनी पड़ेगी। इधर से आपका फ्यूल खुल जाता है, 5.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी कंपनी ऑफर करती है। ये रहा इसका अंडर सीट स्टोरेज, इधर आपको USB पोर्ट कंपनी ऑफर कर रही है, एंड ये रहा अपना एक OBD सेंसर, तो ये सर्विस के टाइम पे यूज़ होता है, बाकी से कर देते हैं बंद। एंड ओवरऑल कुछ ऐसा ही स्कूटर रहता है। अब अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खाली है, और अगर वहाँ से भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो मैं ये कहूँगा आप तुरंत आओ इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैसेज कर लो, मैं 1-on-1 आपके खुद से पर्सनली आपके डाउट क्लियर करूँगा। बाकी डेट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।